आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डाउटनेट। आज हमारा क्वेश्चन पैसेज बेस्ड है, आइए पैसेज देखते हैं। पहले, ए ज्वेलर व्हेन पीप थ्रो हिज शॉप इनटू द लेन सो अ वेल ड्रेस्ड वुमन गेटिंग ऑफ हर कार। एक ज्वेलर जब अपनी दुकान के बाहर झांका तो उसने देखा एक अच्छे कपड़े पहनी हुई महिला अपनी गाड़ी से उतर रही है। अलोंग विद हर पेट शी मूव फॉरवर्ड एंड रेंग द बेल। वह अपने पालतू जानवर के साथ आगे बढ़ी और बेल बजाई। क्यूरियसली, क्यूरियसली मतलब CURIOUSLY, क्यूरियसली मतलब उत्सुकता पूर्वक। क्यूरियसली द शॉपकीपर लेटर इन, उत्सुकता पूर्वक जो दुकानदार था, शॉपकीपर था, उसने उसको अंदर आने दिया। आफ्टर एन आर और सो द क्यूरियोसिटी सबसाइड, यानी कि एक घंटे बाद जो उसकी क्यूरियोसिटी थी वो सबसाइड, मतलब शांत हुई। जो उसकी उत्सुकता थी वो कुछ शांत हुई। द वुमन विद अटमोस्ट केयर लुक्ड एट द ट्रेज कंटेनिंग डायमंड। जो महिला थी वो बड़ी सावधानी से उस ट्रे को जिसमें डायमंड थे, हीरे थे, उसको देख रही थी। अटमोस्ट केयर, मोस्ट केयर मतलब बड़ी सावधानी से। एट द काउंटर इन फ्रंट ऑफ हर नोडेड हर हेड एंड आस्क फॉर समथिंग एल्स। काउंटर पर उसने अपनी गर्दन हिलाई और दुकानदार से, शॉपकीपर से कुछ और दिखाने को बोला। इन द एंड शी आस्क फॉर द ट्रे नंबर 5 टू बी शोन वंस अगेन। लास्ट में उसने जो ट्रे नंबर 5 थी उसको दोबारा दिखाने के लिए बोला। The jeweler was very happy from within because the said tray contained the most valuable diamond. जो ज्वेलर था वो बहुत खुश हुआ क्योंकि जो ट्रे नंबर 5 उस महिला ने दिखाने को बोली थी वो सबसे महंगे हीरे उस ट्रे में रखे थे। When he brought the tray, जब वह ट्रे लाया, the woman moved forward and dashed with the jeweler. जो महिला थी वो आगे बढ़ी और ज्वेलर से टकरा गई। Dashed with the jeweler. Dashed का मतलब होता है टकराना, DASHED. Dashed मतलब टकराना। Resulting in all the diamond scattered hither thither. यानी कि उसका जो परिणाम ये हुआ कि जो हीरे थे वो इधर उधर बिखर गए। Scattered. SCA TTERED, scattered मतलब बिखरना और हिथर थितर। हिथर थितर मतलब इधर उधर, इधर उधर बिखर गए। द वुमन कट अ सॉरी फिगर एंड ज्वेलर लुक्ड एट हर टाइमली। जो औरत थी उसने उसे सॉरी बोला और जो ज्वेलर था उसने डरते डरते उसे देखा। शी हेल्प्ड हिम पिकिंग द डायमंड्स, उसने उसकी मदद करी हीरे उठाने में, उसने उसकी हीरे उठाने में मदद करी। इन द मीनवाइल शी टुक आउट अ पीस ऑफ बिस्किट आउट ऑफ हर पर्स एंड फेड हर डॉग। इसी बीच उसने अपने पर्स में से एक बिस्किट निकाला और अपने कुत्ते को, जो अपना उसका डॉग था, उसको फेड करने लगी, यानी कि उसको खिलाने लगी। When jeweler could pick the pieces of diamonds, he felt something to stop his heartbeat. जब ज्वेलर हीरे उठा रहा था तो उसने कुछ ऐसा लगा, उसे कुछ ऐसा लगा जैसे उसकी जो हार्ट बीट है वो रुक गई हो। A 5-carat diamond was seen nowhere. एक 5-carat का हीरा कहीं नहीं मिला। Excitedly, he looked around the entire floor, but all in vain. यानी कि उसने excitedly पूरे फ्लोर पर देखा, बट उसे वो कहीं नहीं मिला। Then he suspiciously looked at the woman. Suspicious मतलब शक, शक की निगाह से।
तब उसने शक की निगाह से उस औरत को देखा एंड कॉल्ड द पुलिस, और पुलिस को बुलाया। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द ज्वेलर द पुलिस सर्च द वुमन बट कुड नॉट फाइंड बट कुड फाइंड नथिंग। जो ज्वेलर था उसकी रिक्वेस्ट पर पुलिस ने औरत को सर्च किया, उसको देखा, चेक किया, बट उन्हें कुछ नहीं मिला। द ज्वेलर रियलाइज्ड दैट द क्लेवर वुमेन हैज चीटेड ऑन हिम। तब ज्वेलर को यह महसूस हुआ कि उस चतुर महिला ने उस पर चीट किया है। तो हमें जो ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा वो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटर इन द पैसेज, यानी कि जो काउंटर शब्द है इस पैसेज में उसका क्या मतलब है। तो आइए इसमें हमें देखते हैं काउंटर कहाँ दिया हुआ है। एट द काउंटर इन फ्रंट ऑफ हर नोडेड हर हेड एंड आस्क फॉर समथिंग एल्स, यानी कि काउंटर काउंटर पर जब उसने अपनी गर्दन उसने काउंटर पर बैठकर गर्दन हिलाई और दुकानदार से कुछ तो कुछ और दिखाने के लिए बोला, तो काउंटर का मतलब है हमारा एक सपाट जगह, एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी दुकानदार अपनी चीजों को बेचने के लिए रखता हो। ये ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास। ऑप्शन ए एन आर्टिकल ऑन विच यू काउंट, यानी कि एक ऐसे आर्टिकल, ऐसे सामान जिस पर आप विश्वास कर सकते हो। री टू बी यूज्ड ड्यूरिंग प्लेइंग कार्ड, यानी कि ताश खेलते समय उसको दोबारा प्रयोग किया जा सके, काउंटर उसे बोलते हैं। ऑप्शन सी एन ओपोजिशन, यानी कि विरोध करने वाले को काउंटर बोलते हैं। ऑप्शन डी अ फ्लैट सरफेस ऑन विच आर्टिकल आर केप्ट टू सेल। ओके, तो ऑप्शन डी है, इसका मतलब हुआ एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी दुकानदार अपना सामान बेचने के लिए रखता हो। तो हमारा ऑप्शन डी होगा करेक्ट, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा आंसर। ए हमारा ऑप्शन गलत है, एन आर्टिकल ऑन विच यू काउंट। ऑप्शन बी रीड टू बी यूज ड्यूरिंग प्लेइंग कार्ड, ये भी गलत है। ऑप्शन सी एन अपोजिशन विरोध करने वाला है, ये भी गलत है। हमारा करेक्ट होगा आंसर ऑप्शन डी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।